जी तो जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेली मेडिकल एजुकेशन। दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर रंधावा और आज मैं आया हूँ आप लोगों के साथ जनरल बेसिक से स्टडी टिप्स शेयर करने। ठीक है, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से हमें स्टार्ट लेना है और किस तरह हमें स्टार्ट लेना है। ठीक है, देखिए जनाब, बेसिक हमें ये होता है कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए फर्स्ट कंपल्सरी चीज जिसे मैं हाईलाइट करूंगा कि फाइंड योर स्टडी जोन, फाइंड योर स्टडी टाइमिंग, कि आपको किस जगह पे किस एनवायरमेंट में, आप हॉस्टल में अच्छा पढ़ सकते हैं, आप डे स्कॉलर हैं तो घर में अच्छा पढ़ सकते हैं, घर के किस रूम में बैठ के अच्छा पढ़ सकते हैं, आप कॉलेज की लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ सकते हैं अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है। यू मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी ही नहीं होती, अगर होती भी है तो अलाउ ही नहीं होता बैठना, ना टाइमिंग एडजस्टमेंट ही इस तरह की होती है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना स्टडी जोन ढूंढना है कि आप किस स्टडी जोन में कंफर्टेबली बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है जनाब, स्टडी जोन मिल गया, आप कमरे में आ गए, सारा कुछ सेट हो गया, लाइटिंग वगैरह ऑन हो गई, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब पढ़ाई स्टार्ट करनी क्या है यार? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक टू डू लिस्ट ढूंढो कि आपने करना क्या है, आपके टेस्ट में सिलेबस क्या है, आप पढ़ना चाह क्या रहे हो। ये ना हो कि आप पेपर हो केमिस्ट्री का और बायोकेमिस्ट्री का पेपर हो, आप फिजियो खोल के बैठ जाओ, व्हाट द हेल यार, कि दो दिन बाद मंडे वाले दिन टेस्ट है बायोकेमिस्ट्री का और आपका दिल कर रहा है कि यार मैं फिजियो पढ़ता हूँ, तो फिजियो के बारे में फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे क्या भाई? फिजियो को फिजियो के बारे में पढ़ना, अभी बायोकेमिस्ट्री करो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में सिलेबस ढूंढो। अब ये नहीं है कि प्रोटीन्स का है तो आप कार्ब्स खोल के बैठ जाओ, कार्ब्स करने बैठो, नॉट एट ऑल, इस तरह नहीं होती चीजें, इस तरह आप कम्प्लेक्स कर दोगे, मैसअप कर दोगे चीजों को, बाद में ऑर्गेनाइज नहीं हो सकेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज वे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन करें, टू डू लिस्ट बनाएं, अपना गोल सेट करें, अपना टारगेट बनाएं कि आपने बेसिकली करना क्या है, टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें लिखें कि आपने वो थिंग्स चीजें लिखें जो आपने करनी है। यार मैं सिंपल क्या करता हूं, तो मैं लिखना लिखने का टाइम नहीं भी नहीं, अक्सर टेस्ट नहीं बनता, तो आप सिंपल यार इस तरह पेज लो, पेज फोल्ड करके अंदर रख दो, अपने स्टिकी नोट्स लगा दो, आप उस बुक का पेज ही टर्न कर लो, यानी कि कोई बुक है आपके पास, अगर मैं दिखा सकूं आपको, ये है जनाब वन ऑफ आवर वेरी ओन पैथोलॉजी की बुक है, मैंने अभी इससे तो नहीं किया था लिखूमा, लेकिन यही दिखा देते हैं, ये देखें पेज है ना, तो आप इस बुक, अब ये करना चाहते हो टॉपिक न्यू प्लेस या, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, आप जस्ट इस तरह पेज फोल्ड कर दें और ही बैठ के करें, बस जब हमने करना है ये पेज फोल्ड करते जाएं, ये तीन चैप्टर्स हैं, तीन चैप्टर्स के मेन जो पेज हैं वो फोल्ड कर लें ताकि आपको हो जाए, स्टिकी नोट्स हैं किसी भी तरह टिक कर लें, आप ऑर्गेनाइज कर लें कि आपने यही चीजें करनी है, इन चीजों से इधर उधर नहीं होना, डिट्रैक्ट नहीं होना, टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना, जनरल नॉलेज करना ही नहीं यार, एमबीबीएस में कुछ भी जनरल नॉलेज नहीं होता, ये सारा कुछ बस एविंग है, पेपर ओरिएंटेड हमें पढ़ना होता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, और ये नहीं होता कि आप छह बुक्स रिव्यू बुक्स उठा के खोल के बैठते हो, नॉट एट ऑल, ये चीजें एमबीबीएस में नहीं चलती है, अगर चलती भी है तो आप मार्क्स नहीं उस लिहाज से ले सकते हो, फर्स्ट गोल हमारा मार्क्स लेना ही होता है, बाकी चीजें सारी बाद में होती है, जो मेन सीखना सिखाना है ना, जो जाने बचानी है वो तो हम हॉस्टल में जाके सीख लेंगे, अभी हम एकेडमिक्स पे ही फोकस्ड हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा मशवरा आपको यही है, बाकी आपके मेंटर्स जो आपको कहते हैं आप उनकी भी सुन लें यार, मैं नहीं रोकूंगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा तो अब क्या है कि हमने टू डू लिस्ट कर लिया, अपने टारगेट सेट कर लिए, स्टडी जोन ढूंढ लिया, ठीक है, अब हमने स्टडी स्केड्यूल भी बना लिया हमारा, हमें पता चल गया हमने इतने टाइम में इतने चैप्टर्स इस बुक के इतने वक्त में करने हैं, ये सारा कुछ हो गया। अब नेक्स्ट क्या है यार? देखो, आप अच्छी तरह से याद करो, उस चीज को समझो, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, सोशल मीडिया दुनिया भर ही बड़ी है, कुछ भी कहीं से जो आपको मिलता है उसे गूगल करो और बैठ के सुनो, समझो, एटलस खोल लो, कोई भी नॉट यानी जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी है, यूट्यूब पे हजारों पड़े हुए और फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, हम भी इन चला बना रहे हैं जो गाइड्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको नॉलेज पूरी दुनिया में कहीं से भी, गूगल से, किसी भी सोशल मीडिया के, इवन के इंस्टाग्राम के कितने पेजेस चल रहे हैं यार, हमारा भी इंस्टाग्राम फॉलो कर देना ऐसे टेलीमेट्स वीडियो, ठीक है, अच्छा तो ये आप वहां से डाटा कलेक्ट करो, अपना ऑर्गेनाइज करो, पेज पे लिख लो, बुक पे लिख लो, स्टिकी नोट्स पे, बुक पे ही ऑर्गेनाइज कर लो, एक ही बुक पे, कोशिश क्या करो कि एक ही बुक पे क्या करो ताकि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब ये हो गया कि आपने चीजों को पढ़ना शुरू कर दिया, क्रैमिंग शुरू कर दी, आपने कंसेप्ट लेके समझ के चीजों करना शुरू कर दिया। ठीक है यार, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, रिविजन्स करें और स्पेस्ड रिविजन्स करें, यानी कि आप जो रिविजन कर रहे होते हैं स्पेस्ड करें, यानी कि आधे घंटे बाद, और कोशिश करो 40 मिनट के सेशन रखो, 30 मिनट या 40 मिनट का स्टडी सेशन, उसके बाद ब्रेक। ब्रेक किस तरह? अब ब्रेक में ये नहीं होना कि आपने जी कुछ बच्चे होते हैं चीजें नहीं हो रही होती, पैनिक हो जाते हैं, टेंशन हो गया और ये और वो, रोने धोने में घंटा लगा दे, नहीं यार पैनिक नहीं होना, डॉट पैनिक, जस्ट गेट अ ब्रेक, एक ब्रेक ले लो। ठीक है, उस ब्रेक में कुछ ये कर लो, हेल्दी बाहर से घूम फिर आओ, अगर आप हॉस्टलाइट हो किसी दूसरे के रूम में चल जाओ उसे तंग करने के लिए, उससे थोड़ा तंग हो जाओ खुद। ठीक है, ये हॉस्टल लाइफ में ये चीजें चलती रहती है, डे स्कॉलर हो बाहर उठ के चलो, मामा से बात कर लो, बाबा से बात कर लो, कहीं भी कोई भी अपनी एक्टिविटी ऐसे करो, लेकिन पैनिक नहीं हो, ऑन द स्पॉट वो चीज आएगी, टेंशन देगी, डिप्रेशन देगी, बाद में खली वाली कराओ यार। ठीक है, अच्छा
और अपनी ड्रिंक्स, अपने फ्रेश जूस वगैरह ये चीजें अपने साथ जरूर रखा करो। पूरा एक कैबिन बना लो जिसमें आपने अपने, अगर मौसम के लिहाज से अगर सर्दियां तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और अगर गर्मियां हैं तो साथ फ्रेश जूसेस वगैरह ये वो, ताकि डिहाइड्रेट ना हो और खाने का बैलेंस रखा करो। स्लीप और खाना पीना, ईटना और सोना, ये बहुत जरूरी है मेडिकल लाइफ में, ठीक है। क्योंकि देखो ना यार, हमने थ्रू आउट द लाइफ इस चीजों को लेके चलना है और इस तरह हमने कंटिन्यूसली पढ़ना है, अपने एग्जाम्स देके प्रॉफ पास करना है, तो दिस इज अ बिग डील टू डू। हम चीज नहीं है, हर बच्चे का काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कर लिया। अब मेन जो चीज है कि जो सबसे ज्यादा आपको तंग करेगी, टाइमिंग करेगी, वो होंगी डिस्ट्रेक्शंस, योर डिस्ट्रेक्शन। वो डिस्ट्रेक्शन किसी भी किस्म की हो सकती है, वो आपकी अम्मी भी हो सकती है जो कहती है दही ले आओ, ठीक है। वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, वो आपका कोई बड़ी भी हो सकता है, कोई कोलीग भी हो सकता है। अगर हॉस्टल में हो तो हजारों रीजन मिल जाती है, चलो आओ यार मुफ्त मारने चलते हैं, चलो आओ यार खाने पे चलते हैं, चलो आओ यार सिटी चक्कर लगाते हैं, बाइक निकालते हैं, गाड़ी ये हो गया वो हो गया, आज इधर चलते। जी नहीं, अवॉइड डिस्ट्रेक्शन। पढ़ाई के टाइम, पढ़ाई जब फन होगा तब फन कर लेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई के टाइम जस्ट डू इट, पढ़ाई पहले पढ़ लें, बाकी ये साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। अब पढ़ने का फिर भी दिल नहीं कर रहा, मन नहीं बहल रहा, तो एक बहुत ही अच्छा एक आप लोगों को ट्रिक बताता हूं मैं, जस्ट एक सिंपल सी। अवॉर्ड योर सेल्फ, रिवॉर्ड योर सेल्फ। बच्चे क्या करते हैं, मेरे कुछ बडीज हैं, वो क्या करते हैं कि वो इस तरह बुक में ना एक हर चैप्टर के बाद एक चॉकलेट रख लेते हैं कि ये मैं चैप्टर करूंगी, ये मैं चैप्टर करूंगा, तो उसके बाद मैं ये चॉकलेट खाऊंगा, ठीक है। तो अब जब रिवॉर्ड करोगे तो इंसान के दिमाग में वो चीजें आ जाती हैं, रिदमिकल साइकिल एक्टिवेट हो जाता है और इंसान उस चीज की तरफ इनके लस्ट रखता है कि यार ये मैं टॉपिक करने के बाद ये चॉकलेट खाऊंगा। अब मोबाइल के फीडिंग का कर लो अपना कि यार ये मैं चैप्टर कर लूं फिर इंस्टाग्राम खोलूंगा, मैं ये कर लूं फिर उसके बाद मैं फेसबुक खोलूंगा, फिर मैं देखूंगा सोशल मीडिया पे क्या चीजें चल रही हैं, ये आज का सिलेबस करके फिर मैं कोई अच्छा सा स्टेटस लगाऊंगा, ठीक है। वो स्टेटस लगाना भी जरूरी है ना, या अपनी स्ट्रीक भेजनी भी जरूरी है फ्रेंड्स को, चलो ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। और अपने स्लीप का हो गया। अब जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट समराइजिंग थिंग है ना, वो आपने अपना जो गोल है, आपका जो पैशन है, जो ड्रीम है, जो हॉब है, उस पर फोकस रखना है कि जो अपने गोल सेट किया हुआ है, आपकी फैमिली ने, आपने सेट किया हुआ है कि आपने इस प्रॉफ में दो डिस्टिंक्शंस लेनी है, आपने 100% हर लिहाज से थ्योरी और वाइवा में ये एग्जाम क्लियर करना है, एंड जस्ट फोकस ऑन दैट। अगर कोई भी डिस्ट्रेक्शन आती है, कोई भी किसी लिहाज से टेंशन आती है, कोई भी मसला आता है, आप अपने फोकस, कोई डीट्रैक करने लगे, कोई भी शख्स आपको डीट्रैक करना चाहता है, ये चीजें बहुत होती है मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में, इवन के मोबाइल आपको डीट्रैक करना चाहता है, उसे समझाओ भाई खुदा रहा मेरी जान छोड़ो, मुझे बैठ के अपना पढ़ने दो, और आप अपने फोकस रखें अपनी स्टडी पे। इन तरह की डिस्ट्रेक्शंस को हम मैक्सिमली तभी अवॉइड कर सकते हैं, किसी के भाषण से, किसी के लेक्चर से हमें चीजें नहीं आएंगी, ये चीजें हमें खुद करने से आएंगी जब हम अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर, अपने ख्वाब पर फोकस रहेंगे और उस पर तवज्जो देकर हम अपनी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। सो दिस वॉज ऑल जनरल बेसिक टिप्स फ्रॉम मी, सो वेलकम जॉइनिंग टेलमेड्स एडियो, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज एंड कीप सपोर्टिंग टेलीमेडिकल एजुकेशन, थैंक यू।